मध्यप्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 210 करोड़ से ज्यादा कैश पकड़ा गया है। इसे जाहिर होता है कि कांग्रेस का मतलब ही है भ्रष्टाचार की गारंटी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। सांसद और उनके करीबियों के 3 राज्यों झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों से आयकर विभाग को शनिवार तक 200 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि धीरज साहू के यहाँ से अभी तक 110 करोड़ रुपए पकड़ा गया है और लगातार कार्रवाई जारी है। ये कहना संभव नहीं है कि अभी और कितना पैसा निकलेगा। इसे जाहिर होता है कि अगर कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो वो भ्रष्टाचार की है। उन्होंने कहा कि अभी तो ये केवल एक सांसद के यहाँ से इतना पैसा निकाला है, कांग्रेस के और सांसदों के यहाँ से कितना कैश निकलेगा ये कहना अभी उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी को इसका जवाब देना चाहिए। देश के अंदर एक ऐसे घटनाक्रम पर मैं आपसे आज चर्चा कर रहा हूं कि कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद धीरज साहू के ऊपर उनके ठिकानों पर जब छापे पड़े हैं तो किस प्रकार से 210 करोड़ से ऊपर कैश जो पकड़ा गया और लगातार अभी ठिकानों पर जांच जारी है और लगातार कैश भी पकड़ा जा रहा है, वो कहां तक पहुंचेगा अभी उसका बताना बहुत संभव नहीं होगा। लेकिन आज इस देश के अंदर ये कहा जाता है कि कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो भ्रष्टाचार की गारंटी है। कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ आज देश के अंदर पूरा देश पूछना चाहता है कि झारखंड के सांसद कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े व्यापारी के ठिकानों पर झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर बुधवार से जारी आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 210 करोड़ रुपए अधिक का कैश बरामद हो चुका है और अभी बरामद रुपयों की गिनती चल रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।